चैनल कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको हेयर कटिंग्स में बेसिक थ्योरी की जानकारी डायग्राम के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार हमको हेयर कटिंग करनी चाहिए और हेयर कटिंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेयर कटिंग करने से पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि फेस के अकॉर्डिंग, हेयर्स के अकॉर्डिंग, जॉब के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग हमको हेयर कटिंग करनी चाहिए। दूसरा, हेड वॉश किए हुए हेयर्स में ही हमको हेयर कटिंग करनी चाहिए जिससे कि हमारा काम अच्छे से शो हो सके। हेयर कटिंग करने से पहले हेयर्स को वाटर स्प्रे करने के बाद में अच्छे से कॉम करके हेयर्स को सुलझा लेना चाहिए जिससे कि उलझे हुए हेयर्स बाद में लॉन्ग ना दिखाई दें। आज हम आपको डायग्राम के माध्यम से 5 बेसिक हेयर कटिंग की जानकारी देंगे कि किस प्रकार इन कटिंग को हम करेंगे। सबसे पहले ये स्ट्रेट हेयर कटिंग है। स्ट्रेट हेयर कटिंग सबसे इजी है, करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये हेयर कटिंग हमारे स्टार्टर के रूप में हमारे सामने आती है। सबसे पहले कटिंग्स में इसी कटिंग को हम सीखते हैं और सीजर चलाना भी हमको इसी कटिंग में आता है। तो ये स्ट्रेट हेयर कटिंग एक स्टार्टर के रूप में भी हम बोल सकते हैं। इसको करने का तरीका, सबसे पहले हम वाटर स्प्रे करेंगे। वाटर स्प्रे करने से हेयर्स में जो वेव्स होते हैं वो प्लेन हो जाते हैं और हेयर कटिंग के बाद में छोटे बड़े हेयर्स दिखाई नहीं देते हैं। सबसे पहले वाटर स्प्रे किया, हेयर्स को अच्छे से सुलझाया। फिर स्ट्रेट हेयर कटिंग में जितनी हमको हेयर्स की लेंथ लेनी है उतना हम कट करेंगे। लेंथ के साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि डैमेज हेयर्स जो हमारे हैं हमको उनको निकालना है, रिमूव करना है। तो देखिए, स्ट्रेट जैसा कि क्लियर है कि स्ट्रेट मींस बिल्कुल सीधी कटिंग। हमको सीजर को स्ट्रेट लेकर जाना है, लेंथ के अनुसार हम सीजर को बिल्कुल स्ट्रेट लेकर गए और ये स्ट्रेट हेयर कटिंग हमारी कहलाई। नंबर वन और स्टार्टर के रूप में ये कटिंग हमारी इस प्रकार होगी। लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। सेकंड नंबर की लाइट यू शेप है। इस कटिंग को हम लेंथ के अकॉर्डिंग, जितनी हेयर्स की लेंथ हमको रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। इसको दो प्रकार से हम कर सकते हैं। सबसे पहले हमको जो हेयर्स की लेंथ रखनी है हम उसको स्ट्रेट कटिंग करेंगे और उसके बाद में हमको जितना यू शेप देना है लाइट यू में, ये तो लेंथ के अकॉर्डिंग हम लाइट यू लेंगे, यहां से हम लेंगे और यू शेप हम सीजर को लेकर जाएंगे, स्ट्रेट लेकर नहीं जाएंगे। हम यहां से इस तरह से थोड़ा तिरछा, फिर सीधा, फिर तिरछा, ये हमारा लाइट यू शेप कट होगा। और डैमेज हेयर्स जितने हैं वो तो रिमूव करने ही हैं लेंथ के हिसाब से भी, तो ये लाइट यू इस तरह से हम करेंगे। थर्ड नंबर आएगा डीप यू। तो डीप यू करने का तरीका वही है कि हम सारे हेयर्स को कॉम करेंगे, अच्छे से सुलझाएंगे और जितनी हमको लेंथ रखनी है तो उतना हम लेंथ रखेंगे और इस तरह से शार्प सीजर को रखेंगे, स्ट्रेट नहीं रखेंगे, शार्प यहां से हम सीजर को रखेंगे, फिर इस तरह से लाकर फिर इधर शार्प रखेंगे। तो यू शेप जो ये इस तरह का यू शेप है ये हमको हेयर कट में दिखाई देगा। और लेंथ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हेयर्स की लेंथ कितनी है। लॉन्ग हेयर्स में ये बहुत अच्छी लगती है कटिंग। और इस तरह से हमने दोनों पॉइंट्स को मिलाने के लिए हेयर कटिंग के बाद में कुछ हेयर्स को इधर से राइट हैंड साइड से लेंगे, कुछ हेयर्स को लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे और दोनों हेयर्स को हम सेंटर पॉइंट पर लाकर मैच करेंगे जिससे हमको ये मालूम हो जाएगा कि दोनों साइड के हेयर्स हमारे इक्वल हैं
या नहीं है। अगर इक्वल है तो परफेक्ट कटिंग है, अगर इक्वल नहीं है तो हम उनको इक्वल करेंगे, थोड़ा सा और कट करके मैच करेंगे और ये हमारा यू शेप डी यू शेप कहलाएगा। शार्प सीजर को लिया और इधर से भी शार्प लिया, दोनों साइड के हेयर्स को सेंटर में लाकर हम मैच करेंगे और मैच करने के बाद में फिर अगर कुछ अंतर आएगा तो हम उसको क्लियरिटी के साथ में कट करेंगे और इक्वल करेंगे। ये हमारा लॉन्ग हेयर्स में यू शेप हेयर कट बहुत अच्छा लगता है। तो ये हेयर्स के अकॉर्डिंग हमको लेंथ लेनी है, चॉइस के अकॉर्डिंग हमको लेंथ लेनी है और बहुत ही अच्छा लगता है कॉलेज गर्ल्स के ऊपर या वर्किंग वूमेन के ऊपर भी अच्छा लगता है। और अगर क्लचर हम लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आता है, स्ट्रेप्स में दिखाई देता है। लॉन्ग यू शेप जब हम हेयर कट करते हैं तो जब क्लचर लगाते हैं तो बिल्कुल मल्टी स्ट्रेप दिखाई देते हैं, इसका बेनिफिट ये भी है। ये थर्ड हमारा डीपीयू हो गया। अब फोर्थ है वी शेप हेयर कट। वी शेप हेयर कट में क्लियर है कि वी शेप का हमको शेप लेना है और वी शेप ये इस तरह का है शेप ये। और सबसे पहले हम हेयर्स को कॉम करेंगे, सुलझाएंगे और हेयर्स की लेंथ के अनुसार हम सबसे पहले स्ट्रेट कट करेंगे। स्ट्रेट कट करने से हमको जितनी हेयर्स की लेंथ लेनी है वो मैप हमारे सामने आ जाएगा और स्ट्रेट कट करने के बाद में हम हेयर्स को दो भागों में डिवाइड करेंगे। सेंटर पार्टिंग ये आपको दिखाई दे रही है, इसके अकॉर्डिंग हमने हेयर्स को दो भागों में डिवाइड किया और दो भागों में डिवाइड करने के बाद में हम लेफ्ट हैंड साइड का जो हेयर्स है उसको लॉक करेंगे और राइट हैंड साइड के हेयर्स को हम वी शेप का कट देंगे। इस तरह से देखिए बिल्कुल शार्प वी शेप, राइट हैंड साइड का ये शार्प वी शेप कट हमारा हो गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड का करेंगे। इसी प्रकार कुछ हेयर्स को हम गाइडलाइन के रूप में रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के जो विदाउट हेयर कटिंग के हैं हेयर्स को उनमें मैच करके फिर इनको भी इस लेंथ के अकॉर्डिंग इससे मैच करते हुए हम शार्प वी शेप ये लेंगे। तो ये हमारा वी शेप हो गया। हमको ये ध्यान रखना है कि ये वी शेप हेयर कट शोल्डर से, ये शोल्डर हमने दिखाए हैं शो किए हैं, शोल्डर से 4-5 इंच नीचे हमको लेना पड़ेगा। क्यों कि फिर ऊपर अगर हम रखेंगे ईयर्स के पास से रखेंगे तो वो फ्लिक का रूप नजर आएगा। इस तरह से शोल्डर्स के 4-5 इंच नीचे से हम कट करेंगे और वी शेप हमारा कट बहुत ही फिनिशिंग के साथ में होगा। फिर हम हेयर्स को इस तरह से कॉम करके फिनिशिंग देंगे। अगर छोटे बड़े हेयर्स हैं तो हम उनको कट करेंगे, रिमूव करेंगे और नहीं तो इक्वल होगा, क्योंकि इस तरह से नापतोल के जो हम कट करते हैं हेयर कट करते हैं तो उसमें कोई डाउटफुल वाली बात नहीं रहती है, सारे हेयर्स हमारे बहुत अच्छे कट होते हैं। तो वी शेप का विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। यह वी शेप हेयर कटिंग थोड़ा टफ है लेकिन बहुत इजी वे में हमने आपको एक्सप्लेन किया है जिससे कि आपको समझ में आ जाए। सेंटर पार्टिंग की दो भागों में हेयर्स को डिवाइड किया और राइट हैंड साइड के पहले हम कट करेंगे, शोल्डर से 4-5 इंच नीचे लेंगे और जो हमने गाइडलाइन बनाई है लेंथ की उससे टच करते हुए कट करेंगे। इसके हेयर्स फिर हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड के हेयर्स में उसमें मैच करेंगे और फिर वही शार्प कट वी शेप का हम देंगे। तो इस तरह से हमारा वी शेप हेयर कट कंप्लीट होगा। अब हम फिफ्थ है ब्लंट हेयर कटिंग। ब्लंट हेयर कटिंग शॉर्ट हेयर्स में हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, जॉब करने वाली लेडीज के ऊपर बहुत सूट करती है, यंग जनरेशन भी करवा सकते हैं। सीजनल जैसे गर्मी का टाइम होता है तो ब्लंट कट काफी लोग कराते हैं, चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है की जाती है। बहुत स्मार्ट लुक
आता है इस कटिंग में। तो ब्रेड हेयर कटिंग, हम ये ईयर्स हैं, ये शोल्डर हैं, हमको ईयर्स के नीचे वाले हेयर्स को कट करना है और शोल्डर, ये देखिए शोल्डर से टच करते हुए हम ये कट करेंगे। ये स्ट्रेट हमने ब्लंट हेयर कटिंग की है, गर्दन से टच करती हुई कटिंग आएगी। तो ये मेरे को स्ट्रेट सीजर चलेगी और शोल्डर से टच करते हुए हेयर्स को, अगर क्लाइंट की चॉइस है ज्यादा अच्छा लुक हमको लाना है तो ये हमने स्ट्रेट हेयर कटिंग ब्लंट वाली शो की है। लेकिन हम हल्का सा बहुत ही माइनर लाइट यू ले सकते हैं जिससे कि थोड़ा लुक और अच्छा आएगा। ये शॉर्ट हेयर्स में होती है, लॉन्ग हेयर्स में शॉर्ट हमको करना पड़ता है। तो देखिए ये स्ट्रेट सीजर को हमको चलाना है ईयर्स के नीचे वाले पोर्शन में और शोल्डर से इक्वल रखते हुए भी कर सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये ब्लंट हेयर कटिंग अगर लाइट यू हम करते हैं, देखिए ये इतना सा लाइट यू करते हैं तो ब्लंट में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हेयर सेट करते हैं इंटर साइड में, जब करते हैं इंटरनल ड्रायर करते हैं तो वो फिर बहुत ही अच्छा लुक आता है ब्लंट हेयर कटिंग में। तो ये आपकी डायग्राम के माध्यम से हमने 5 हेयर कटिंग्स का डिस्कस किया। बेसिक्स जो हेयर कटिंग्स के हैं हमने आपके सामने शो किया, विश्वास है आपको काफी सीखने को मिला होगा और हमने बहुत ही इजी वे में सब एक्सप्लेन किया है जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, हम आपकी चॉइस के अनुसार आगे वाले वीडियो में इसके बाद की हेयर कटिंग्स का भी आपको बेसिक्स जानकारी डायग्राम के जरिए देंगे जिससे कि आप परफेक्टली सीख सकें। विश्वास है आपको जरूर पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।